महानिदेशक कारागार के निर्देश पर नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया और इस सप्ताह की शुरुआत 22 फरवरी से की गई और 27 फरवरी को इसका समापन किया गया। इस दौरान कैदियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय कारागृह में नशा मुक्ति जागरण अभियान के तहत शनिवार को बंदियों ने जेल परिसर में नशे के खिलाफ रैली निकाली और जेल के प्रत्येक वार्ड के सामने गुजरते हुए पोस्टर बैनर व नारेबाजी करते हुए बंदियों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इससे पहले चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल सभी कैदियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी शामिल रहे। माननीय महानिदेशक कारागार के निर्देशानुसार एवं अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक केंद्रीय कारागार अजमेर के अस्पताल में नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया। इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम संपादित किए गए। 22 तारीख को पोस्टर विमोचन किया गया। 23 फरवरी को मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर के शर्मा द्वारा नशा मुक्ति पर व्याख्यान दिया गया। 24 फरवरी को ड्राइंग कंपटीशन किया गया। 25 फरवरी को ग्रुप डिस्कशन किया गया कैदियों के मध्य। 26 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 27 फरवरी को रैली के साथ, नशा मुक्ति रैली के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यात्म विज्ञान केंद्र के सहयोग द्वारा और दिशा एक सहयोगी संस्था है, एनजीओ है, उसका सहयोग प्राप्त हुआ। स्वप्रेरणा से कैदियों को नशा मुक्ति की ओर अग्रसर होने पर बल दिया गया और उनका मूल्यांकन भी किया गया सहयोगी संस्थान दिशा थी। इस संदर्भ में अभी ड्राइंग कंपटीशन में जो विजित रहे हैं कैदी, नशा मुक्ति पर की थीम पर ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, उनको पुरस्कार की घोषणा की गई है। कल संपर्क सभा में जो पोस्टर विमोचन किया गया और नशा मुक्ति पर ध्यान एवं योग के द्वारा गुरु मंत्र जो दिया गया उनका मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ कैदियों ने नशा मुक्ति पर जो अपना अनुभव बताया है ध्यान एवं योग द्वारा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मैं प्रशिक्षु उपाधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा। तो कल समापन की है।